वहीं बीएसपी की वर्तमान प्रतिनिधि यूनियन इंटक ने इस बार के चुनाव में भी अपनी जीत का दावा किया है। इंटक के पदाधिकारी एसके बघेल ने ग्रैंड एशियन न्यूज को बताया कि संगठन वर्षों से कर्मचारी हित में संघर्षरत रहा है। कर्मचारियों की समस्याओं को उच्च प्रबंधन तक पहुंचाकर लगातार उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसका लाभ इस बार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। 12:15 बज रहे मतदाताओं का, कर्मचारियों का आना सेक्टर 2 के इस मतदान कक्ष में लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद है इंटक यूनियन के महासचिव एसके बघेल जी, जिनकी वर्तमान सरकार कहा जाए, वर्तमान यूनियन अधिकृत यूनियन बीएसपी में कार्यरत है। बघेल जी से हम आइए जानते हैं कि अभी इस बार क्या अपेक्षाएँ, इस बार क्या आश्वासन उनके द्वारा यहाँ के बीएसपी कर्मचारियों को दिया गया, इनकी क्या कार्य योजना है, इसके पूर्व कर्मचारी हित में किस तरह का कार्य किया गया। बघेल जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस चुनाव में आपको क्या लगता है, इस बार इंटक फिर से अपना दोहरा सकती है? मुझे विश्वास है कि इंटक जो है अभी प्रतिनिधि यूनियन का दर्जा जो है 50% से ऊपर मत हासिल करेगा, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो हमें कर्मचारियों ने मौका दिया था उसमें हमने 40 बिंदुओं पर जो काम किया है उनको लोगों के बीच में हमने दिखाया है, और आने वाले भविष्य में हमारी 20 पॉइंट ऐसे हैं जो सभी कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको हम करेंगे, ये आश्वस्त उनको करते आ रहे हैं। क्योंकि कर्मचारियों की कई समस्या यहाँ वर्षों से लंबित रही है जी, और लगातार केवल आश्वासन मिलता रहा है कर्मचारियों, और बीएसपी एरिया प्लांट एरिया के अलावा छोड़ भी दिया जाए तो टाउनशिप क्षेत्र में भी काफ़ी समस्याएं हैं जिससे कर्मचारी परेशान हैं, तो इसके निराकरण के लिए किस तरह की आप लोगों के द्वारा कार्य योजना तैयार होगी? अभी हम भविष्य में जो है हमारे जो है पहला तो ये है कि हमारे जो टार फिल्टिंग का समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है, जिसको हमने अपने इसमें भविष्य की योजना में बोले हैं कि विगत 2 वर्ष में सारे टार फिल्टिंग की जो समस्या है पूर्ण रूप से ख़त्म करेंगे। और दूसरा है हमारे जो रिटायर्ड हो रहे हैं कर्मचारी, जिनको अभी 400 स्क्वायर फिट तक लाइसेंस में उपलब्ध करवाए हैं और खाली क्वार्टर हमारे बहुत सारे टाउनशिप में हैं, तो उनको भी हमारे इतने 35-40 साल जो सेवा दिए हैं संयंत्र में, उनको जो है पहला अधिकार है कि उनका अगर किसी कारणवश अपना आशिया नहीं बना पाए हैं तो इसलिए हमको उनको पहला अधिकार देना है कि अगर हमारे पास उपलब्ध है क्वार्टर खाली हैं तो उनको लाइसेंस में किया जाए। तो 650 स्क्वायर फिट का तक का हम लोग लाइसेंस में उपलब्ध करवाने का स्कीम बनाए हैं। क्योंकि आपने बताया कि जैसे कि जो पूर्व कर्मचारियों को इनके पास आवास नहीं, उन्हें आवास देने की बात जी, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वर्तमान में ज़्यादातर आवास का कहा जाए तो अवैध कब्जेधारियों के कब्जे में, हालांकि इन्फोर्समेंट विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, अवैध कब्जेधारियों को हटाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी देखा जा रहा है कि कार्रवाई होने के कुछ दिनों पश्चात ही पुनः अवैध कब्जेधारी उसी मकानों पर आकर ताला तोड़ के, अवैध रूप से ताला तोड़ के फिर से काबिज हो रहे हैं। ये अवैध कब्जाधारी है चाहे कोई भी हो, उसको अवैध को हम कभी समर्थन नहीं करते। हमारा इंटक यूनियन का पूर्ण इन्फोर्समेंट जो टीम काम कर रही है उसका पूरा बहुत सराहनीय है, और उसमें हम हमेशा साथ में रहेंगे, क्योंकि जिनका अधिकार है उनको अधिकार दिलाने के लिए ही हम ट्रेड यूनियन में जुड़े हुए हैं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अभी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होती है अभी इंटक यूनियन प्रतिनिधि उनके देश में आती है? तो हमारा सबसे जो है स्थानीय स्तर पर जो लोकल एग्रीमेंट होता है वो प्रतिनिधि यूनियन नहीं होने की वजह से जो शेष रह गया, जैसे मंथली इंसेंटिव स्कीम 2007 का है उसको रिवाइज करना है, डेली रिवार्ड स्कीम 2014 अक्टूबर से बंद है उसको चालू करवाना है, ताकि हमारा पे पॉकेट जो है बढ़े और लोगों को जो है मोटिवेशन, जैसे अभी हमने एक जो है सार्वजनिक रूप से नॉन फाइनेंशियल अवार्ड जो हम लोगों ने सभी लोगों को, सभी कर्मचारियों को दिलवाए हैं, ये हम लोग का चल रहा आगे दिशा में काम कर रहा है। अभी चुनाव के पूर्व से लगातार आप लोगों द्वारा सभी विभागों में जाकर के कर्मचारियों से समर्थन मांगा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है इंटक पक्ष के पक्ष में मतदान करने के लिए, तो किस तरह का प्रतिसाद देखने को? हम जो सभी हमारे कर्मचारी भाई बहनों से जो मिल रहा है उन्होंने बिल्कुल अप्रिसिएट किया है कि आपने कोरोना पीरियड होते हुए भी इन 40 बिंदुओं में काम किया है, उसका हमको आज जो है उसका प्रतिफल आज मिलने का हमको पूर्ण विश्वास है, और पूर्ण बहुमत से ही हम विजय होंगे, ये हमको आत्मविश्वास हमारा है। सर बघेल जी, अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्योंकि सेक्टर 9 अस्पताल सबसे बड़ा चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सालय है, लेकिन उसमें स्टाफ की कमी के कारण जो मरीज बीएसपी के एडमिट होते हैं चाहे बाहरी, उन्हें मतलब एक प्रकार से सेक्टर 9 हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बना दिया गया,
तो वहाँ चिकित्सकों की उपलब्धता जो है क्योंकि काफ़ी कम है, हालांकि चिकित्सक हैं लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की काफ़ी कमी, जिसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ता है। तो सेक्टर 9 चिकित्सालय अपने पूर्व के रूप में है, सभी चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे, मरीजों को इसका लाभ मिले, इसके लिए किस तरह का प्रयास किया जाएगा? इसके लिए हम लोग जो है सेक्टर 9 को सर्व सुविधायुक्त यानी विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए उनका अलग से वेतनमान देने की बात सेल स्तर पर लागू हुई है, और हम चाह रहे हैं कि सेक्टर 9 की तरह ही हमारा जो सेक्टर 1 जिसको हमने कहा जो हमारा मुख्य सेंटर है उसको भी हम लोग चाह रहे हैं, हमारे वर्तमान योजना में ये है कि सेक्टर 1 को भी सेक्टर 9 की भांति पूर्ण सुविधायुक्त मेडिकल सुविधा से परिपूर्ण रहे, यही हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। ये थे हमारे साथ इंटक यूनियन के महासचिव एस के बघेल जी, जिनका कहना है कि इस बार भी बीएसपी में प्रतिनिधि यूनियन के रूप में इंटक को ही देखा जाएगा। इंटक को लगातार बीएसपी के कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा, अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य भी इनके द्वारा बताए गए और आगामी क्या कार्य योजना है ये भी इनके द्वारा बताए गए। हालांकि मुख्य जो अभी सबसे बड़े कई कुछ कर्मचारियों से हमारी चर्चा है जिनका कहना है सेक्टर 9 अस्पताल में जो चिकित्सकों की कमी उसके उसे लेकर, तो इनका कहना है, बघेल जी का कहना है कि इसके लिए भी उच्च स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में बीएसपी के कर्मचारियों को, उनके परिजनों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब चूंकि ये मतगणना का दौर जारी है, कुछ शाम को नतीजे होंगे, अब देखने वाली बात ये होती है कि बीएसपी का प्रतिनिधि तो कौन सी यूनियन करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।